रहे हैं IRCTC की। आज के दिन की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक हम देख सकते हैं 887 रुपीस पर ट्रेड करता हमको नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद बाउंस बैक किया है 844 के लेवल से स्टॉक ने, हम देख सकते हैं, और यहाँ से लगातार बाइंग देखने के लिए मिल रही है। इससे पहले गिरावट दिखाई थी स्टॉक ने, गिरावट आई थी बाउंस बैक के साथ, इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, रिजेक्शन के बाद लो ब्रेकडाउन होता नज़र आया। मार्केट में भी 2-3 दिन गिरावट देखने के लिए मिली थी, जिसके चलते IRCTC ने गिरावट दिखाई थी। तो यहाँ से आप रिकवरी देखने के लिए मिल रही, बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है IRCTC में। अब यहाँ से बने अप ट्रेंड के चांस, क्योंकि देखो दोस्तों जिस तरह से बाइंग आ रही है स्टॉक में, उस हिसाब से उतनी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है ना, यहाँ बड़ा सेलिंग प्रेशर अभी तक तो देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो यहाँ से अपसाइड के चांस बनेंगे, देख सकते हैं जंप गिरावट अगेन जंप हाई ब्रेकआउट, गिरावट जंप हाई ब्रेकआउट, तो यहाँ से और अप ट्रेंड IRCTC दिखा सकता है। नीचे की ओर जहाँ से गिरावट के साथ बाउंस बैक किया है 1880 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, और सबसे आखिरी सपोर्ट की बात करें तो ये जो लो है 840 का लेवल हम मान के चलते, मोटा मोटा 840 का लेवल सबसे आखिरी सपोर्ट IRCTC रहेगा। बीच में और भी सपोर्ट बनेंगे, हम मेजर सपोर्ट को डिस्कस किए हैं। तो यहाँ से अब जंप आता है, तो इससे पहले जहाँ सपोर्ट लिया था 900 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, लेकिन जिस तरह से बायर्स एक्टिव है उस हिसाब से ब्रेकआउट के चांस बनेंगे, और इसी के ब्रेकआउट का इंतज़ार है 900 का लेवल। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया IRCTC तो उसके बाद फिर लगातार आप ट्रेंड दिखा सकता है। फिर बाउंस बैक के साथ नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 920 के लेवल पर करेगा, जहाँ से गिरावट दिखाई थी, और इसके ब्रेकआउट के बाद 920 के ब्रेकआउट 930 और फिर 940 तक का भी जम दिखा सकता है। यहाँ तक के भी टारगेट IRCTC में अब हमको शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।